Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन टेक एजुकेशन में। और दोस्तों, आज आपको अपनी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे दोस्तों अपने PC या लैपटॉप में UC ब्राउज़र जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपनी PC या लैपटॉप में UC ब्राउज़र इंस्टॉल करें, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, इस वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल इंडियन टेक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों प्लीज़ इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए। या फिर दोस्तों, आप जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलता है, आप उसे दबा के भी मेरे इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी मेरे इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर चुके हैं, उन लोगों को मैं तहे दिल से जो है वो धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे आप लोगों ने अब तक मुझे ऐसे सपोर्ट करा है, ऐसे आगे भी अपना सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखिए, मैं भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने सिंपल गूगल क्रोम ब्राउज़र में इस टाइम पर यूज़ कर रहा हूँ, मैं मोस्टली यही यूज़ करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा www.google.com, इन मैंने जो है इसको ओपन कर रखा है। और गूगल के सर्च बॉक्स में मैंने सर्च कर रखा है ucweb.com, आपको भी ucweb.com लिख के सर्च करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप सिंपल मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप सीधे इसकी जो मेन वेबसाइट है इसके ऊपर पहुंच जाएंगे। ओके गाइस, यहां पर जब आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये चीज कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम यूसी ब्राउज़र जो है वो सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूसी ब्राउज़र जो होता है वो एंड्रॉयड फ़ोन के लिए अवेलेबल है, आईफोन के लिए भी अवेलेबल है, पीसी ब्राउज़र के लिए भी अवेलेबल है, विंडोज़ फ़ोन के लिए भी अवेलेबल है, यहाँ तक कि जावा के जो फ़ोन होते हैं उनके लिए भी ये अवेलेबल है, और पैड फ़ोन के लिए भी जो है ये अवेलेबल है, ठीक है ना। पैड डाउनलोड होता है। और अब दोस्तों, हमें जो डाउनलोड करना है, हमें डाउनलोड करना है अपने PC या लैपटॉप में, तो आपको सिंपल यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है PC और लैपटॉप वाला, आपको सिंपल इसके ऊपर जब अपना कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला होता है डाउनलोड का और दूसरा होता है फाइल हिप्पो का। आप इन दोनों से ही इसके सेटअप को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि फिलहाल मैं यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही गाइस मैंने यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करा, आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड होना शुरू हो गया है। और बहुत ही छोटी सी फाइल होती है, 1.62 MB की, तो बड़ी ही आसानी से और बहुत ही जल्दी आपके PC के अंदर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों, आप इसको सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए कुछ इस तरह से, एंड यूसी ब्राउजर इंस्टॉलर अनस्टॉल इज रनिंग, प्लीज क्लोज इट एंड रीट्री। ओके, मैंने यहाँ पे क्लिक करा। अब देखिए यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। अब आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा रहता है डाउनलोड एंड इंस्टॉल, ठीक है। आपको सिंपल डाउनलोड एंड इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही कैसे आप यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये अब डिपेंड करता है आपके नेट कनेक्शन की स्पीड पे। अगर आपके नेट कनेक्शन की स्पीड अच्छी होगी तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा डाउनलोडिंग, और कम अच्छी होगी या अच्छी नहीं होगी तो थोड़ा सा टाइम ये लेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइम मेरी जो स्पीड है नेट की वो मीडियम है, तो ये मीडियम स्पीड से जो है वो चल रहा है। और अगर बहुत तेज होगी आपके नेट कनेक्शन की स्पीड तो बहुत जल्दी जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हमारी डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी, तो उसके बाद यूसी ब्राउज़र जो है वो ऑटोमेटिकली आपके PC में जो है वो ओपन हो जाएगा या लैपटॉप में ओपन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों, मैं वीडियो को कट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ बीच में, जिससे कि आप लोग अच्छे से सीख सकें, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो सीख नहीं पाते। और काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी इस वीडियो को बनाने के लिए, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आज मैं जो है वो रिक्वेस्ट वीडियो बना रहा हूँ अपने व्यूवर्स के लिए, ठीक। ये आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है, बस इंस्टॉलिंग हो रही है, और कुछ ही देर में यहाँ पर ये सब काम निमट जाएगा और बहुत ही जल्दी ये यूसी ब्राउज़र जो है हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा नेट कनेक्शन आज थोड़ा सा अच्छा आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो रहा है। हो सकता है आप लोगों का नेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो आए तो टाइम ले, ठीक है ना। तो आपको पेशेंस बना के रखना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो है हमारा ओपन हो गया, ठीक है। ये दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यूसी ब्राउज़र है वो सिंपल ओपन हो चुका है। इस टाइम आप यूसी ब्राउज़र को देख रहे हैं, और ये जो है यहाँ पे ये गूगल क्रोम है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ से इसको कट कर देते हैं, ठीक। और इसको हम यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं। आप देखिए ये यूसी ब्राउज़र है, आप इसके अंदर कुछ भी जो है वो सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ फिलहाल यूट्यूब, मैंने यहाँ पे यूट्यूब सर्च करा। आप देखिए इसकी स्पीड भी थोड़ी सी फास्ट आती है जब आप इसे PC में यूज़ करते हैं ना, तो स्पीड जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है, और स्पीड आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलती है एज़ कम्पेयर टू क्रोम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा यूसी ब्राउज़र में हमने यूट्यूब जो है वो सिंपल ओपन कर लिया।
और यहाँ पे मैं आपको अपना चैनल जो है वो ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई थी टैग की। ठीक, ये हमने यहाँ पर ओपन करा, ये आ गया हमारा चैनल, नंबर वन पे आता है। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इंडियन टेक एजुकेशन। और जैसे कि आप देख सकते हैं अभी फिलहाल 280 सब्सक्राइबर हैं, तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप होपफुली सीख गए होंगे कि आप कैसे जो है अपने पीसी या लैपटॉप में यूसी ब्राउज़र को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके किसी भी तरह के सवाल या सुझाव हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लेकिन पसंद आई होगी वीडियो, तो और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।